हेलो ऑल वेलकम टू माय चैनल फीस्ट एंड फ्रॉलिक दिस इज सुप्रिया जैन आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी टोस्ट डिफरेंट देन रेगुलर टोस्ट जो चाय के साथ हम कंज्यूम करते हैं ना एक बार ये वाले टोस्ट ट्राई करिए यू विल लव द टेक्सचर माउथ मेल्टिंग डिलीशियस टेक्सचर ऑफ दिस टोस्ट सो नाउ क्विकली लेट्स बिगिन विद द रेसिपी तो सबसे पहले कभी भी कुकीज़ या टोस्ट या बिस्किट्स बनाने के लिए हमें क्रीमिंग करना बहुत जरूरी है क्रीमिंग ऑफ बटर एंड शुगर तो यही स्टेप हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं बटर और शुगर का मेजरमेंट हमेशा इक्वल रखना होता है मैंने यहाँ हंड्रेड ग्राम्स अमूल का सॉल्टेड बटर यूज किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हंड्रेड ग्राम्स मुझे पाउडर्ड शुगर यूज करनी है और कप में मेजर करें तो ये हाफ कप शुगर है एंड हाफ़ कप बटर है शुगर को मैं सीव कर रही हूँ मतलब कि मैं इसे छान रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहे अब हम बटर और शुगर को स्पैटुला की हेल्प से कंबाइन करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी इसे विस्क करना स्टार्ट कर सकते हैं फाइनली हमें इसको एक सॉफ्ट फ्लफी और एक अच्छा सा टेक्सचर देना है जिसे हम क्रीमिंग ऑफ बटर एंड शुगर बोलते हैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसमें अप्रॉक्स फोर टू फाइव मिनट्स लगेंगे और हैंड विस्कर से आप करेंगे तो इसको एट टू टेन मिनट्स भी लग सकते हैं बटर और पाउडर शुगर अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट लाइट और फ्लफी हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स हमारे बोल पे एक सीव रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे वन कप मैदा फोर टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर एंड वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से छान लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे वन थर्ड कप टूटी फ्रूटीज मैंने यहाँ तीनों कलर की टूटी फ्रूटी यूज़ की है और अब हम इसमें ऐड करेंगे थ्री टू फोर टेबल स्पून चॉप्ड नट्स और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम पाइन एसेंस फिर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से कंबाइन करके इसका एक डो बना लेंगे अगर डो इजीली बन जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है बट डो बनाने में परेशानी आए तो आप इसमें वन टू या थ्री टेबल स्पून मिल्क भी ऐड कर सकते हैं डो बनकर रेडी हो गया है अब हम एक क्लिंग वैप लेंगे और इस डो को हाथों की हेल्प से एक स्क्वायर सिलेंड्रिकल शेप देकर और अच्छे से क्लिंग वैप करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे हाफ़ एन आवर हो गया है अब हम इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लेंगे और इसे स्क्वायर पीसेज में केयरफुली कट करेंगे और ये रेडी है बेक करने के लिए मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है और अब हम इन्हें 15 टू 17 मिनट्स के लिए बेक करेंगे टोस्ट्स को प्लेस करने के टाइम पे आप ये ध्यान रखें कि उनके बीच में अच्छा गैप हो क्योंकि ये बेकिंग के टाइम पे साइज़ में भी एक्सपैंड होंगे टूटी फ्रूटी टोस्ट्स अब बिल्कुल बेक हो गए हैं और ये अभी सॉफ्ट है क्योंकि ये गर्म है इन्हें आप अच्छे से ठंडा करके फिर कंटेनर में फिल करिएगा और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी है और ये बहुत ही अच्छे माउथ मेल्टिंग क्रिस्पी टेक्स्चर्ड टोस्ट्स बने हैं एक कप मैदा के मेजरमेंट से मेरे ये सेवेंटीन टोस्ट्स बन के रेडी हुए हैं सो इट्स ऑल फॉर टूडे ट्राई दिस रेसिपी एंड इफ़ यू लाइक द रेसिपी Please subscribe my channel, like my video and thanks for watching as homemade is happiness.